बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। काफ़ी दिनों बाद मेरा ये आज का व्लॉग आ रहा है। तो अभी बस सुबह के हो चुके हैं 9:30, और नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अभी बस ब्रेकफास्ट करना है और दुकान पे जाना है, क्योंकि आज पापा दुकान पे हैं, तो हो सके आज शायद दुकान की सफाई करें। तो बस अभी बस ब्रेकफास्ट करना है, फिर चलते हैं दुकान पे। ऊपर आया हूँ, ऊपर जाके मैं देखा है मौसम को चेक करते हैं। तो ऊपर आया हूँ, मैं नहा के भी आया हूँ, तो सीधा आके धूप में आ गया हूँ। तो मतलब बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि धूप है ऊपर, मतलब उल्टा सुकून मिला मुझे। इसका मतलब यह है कि सर्दी लगता है आ गई है। तो क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बारिशें भी हुई हैं, तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया, मतलब 10-11 तारीख हो गया आज। तो जब शुरू हुआ था अक्टूबर तो लगता नहीं था कि मतलब इतने ज़रा भी नहीं थी सर्दी महसूस हो रही, लेकिन अब 10-11 तारीख हो गया तो अभी सही महसूस होता है कि सर्दी जो है वो आ गई है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है, धूप लग रही है। तो 1-2 दिन पहले हुआ था ऐसे कि बादल बादल, लेकिन अभी जो है करारी धूप निकली हुई है, आसमान बिल्कुल साफ है। वो मेरे पीछे आप नोट करते थे पिछले व्लॉग्स में दरख्त होता था, तो वो भी उन्होंने काट दिया है, तो वो अब नहीं है, जिस वजह से मैं हवा का अंदाज़ा लगा लेता था। जो वो बिल्कुल साफ है, क्लियरेंस है, और कमाल कमाल की धूप निकली हुई है, और बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है धूप में भी खड़ी। 4 दिन पहले व्लॉग्स में ऐसे हुआ है कि मतलब मैं धूप में खड़ा नहीं था, हवा जा रहा, और काफ़ी गर्मी लगती थी, लेकिन आज अभी मैं नहा के आया और उसके बाद वैसे भी आजकल मौसम जो है वो सर्दी सर्दी वाला लग रहा है, इतनी जो है गर्मी वो महसूस नहीं हो रही। तो अभी बस चलते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं दुकान पे। दुकान पे थोड़ा सा काम है वो करते हैं जाके। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है मैंने कर लिया है, और टाइम हो चुका है तकरीबन 10:10, और अभी चलते हैं दुकान पे। जी मैं दुकान पे आ चुका हूँ, और अभी जो है वो दुकान की सफाई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, तो अभी दुकान की जो है ना वो सफाई करेंगे। वो रैक्स पे लगाना है, तो फिर अभी बस उसकी सफाई करेंगे मैं और पापा। पापा भी आज दुकान पे हैं, वो दुकान पे काम पे आज नहीं किए छुट्टी है, तो उन्होंने कहा दुकान पे रह गए हैं ना, जो दुकान है वो साफ़ करेंगे। अभी बस दुकान की जो है ना वो सफाई करेंगे। और ये जी सारा सामान बिखरा हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, ये सारा सामान बिखरा हुआ है। अभी सारे सबको सेट करके एक जगह पर रखना है। तो पहले तो मैं कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह पापा भी साथ, और मैं और पापा मिलके जो है दुकान को सेट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान बिखरा हुआ है, तो कोई समझ नहीं थी लग रही कैसे उठाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उठा के तो जो जो चीज़ जिस जिस जगह पर रखनी है तो हमने इजीली रख ली है। तो सेफली जो है ना हमने दुकान को साफ़ करने की पूरी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite, and if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. दुकान की जो सफाई है वो हो चुकी है, टाइम हो चुका है 5, सारी चीज़ें रैंक्स पे जो है वो तरतीब से लगाती हैं, और दुकान बिल्कुल पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। दुकान बिल्कुल साफ़ कर ली है। ये सारी जगह पे आप कार्टन थे, सामान बिखरा हुआ था, आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, गाड़ी बड़ी मुश्किल से आती थी, लेकिन अभी ये भी सारी जगह साफ़ हो गई है, और इधर भी सारी जगह साफ़ ईज़िली जो है ना, मतलब हमने सारी सफाई वगैरह कर ली है, और इतने ज़्यादा गत्ते नहीं इकट्ठे हुए, थोड़े से हुए हैं ये हैं, और बाकी ओवरऑल सारे रैंक्स जो है वो खाली हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रैंक्स फुल हो गए हैं।
यानी सामान हमने तरतीब के साथ सारा लगा दिया। अभी थोड़ा सा और कम करना था, लेकिन फ़िलहाल जितना हो सका हमसे हमने कट किया है, तो बाकी जो भी चीज़ मिलेगी रह गई है तो वो फिर जगह ढूंढ के दो रैंक्स पे लगा दूंगा। ये रैंक्स तो फिलहाल फुल हो चुका है, ये थोड़ा सा खाली है, यहाँ जगह बना के अगर और सामान आएगा तो लगा। ये कहता हूँ कि जब भी नया सामान आएगा तो साथ ही उसको ना रैंक्स पे लगाना है, लेकिन फिर कोई वजह से इशू से मतलब मैं नहीं लगा पाता। फिर जब पापा को छुट्टी होती है, पापा फारग होते हैं, तो फिर हम सामान लगाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं मतलब मैंने पापा को भी कह दिया कि जब भी सामान आएगा तो इंशाल्लाह साथ ही इसको तरतीब से लगा देना, फिर जो है ना गंद ज़्यादा नहीं डलता। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नीचे पड़ी हैं जिसको हमने सेट करना था, लेकिन जगह खत्म हो गई थी, कुछ थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी जिस वजह से सेट नहीं कर पाए। खैर जो भी है, ओवरऑल पहले की नस्बत बहुत ही ज़्यादा जो है ना चेंज हुआ है दुकान पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने साफ़ की है दुकान और थोड़ा सा चेहरा इसका नज़र आया। तो खैर इंशाल्लाह इसको मैं साफ़ करता हूँ, क्योंकि पापा ने सप्लाई के लिए जाना होता है, मैंने ही दुकान में होना होता है। तो आज उन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प की है, मेरे साथ मिल के जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुकान जो है ना वो सेट की है। इंशाल्लाह दुकान का जो है वो फुल टूर वो भी आपको मैं दूंगा एक दो दिन तक, इंशाल्लाह दुकान का जो फुल टूर है ना, क्योंकि मैंने पहले देना था टूर, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा दुकान को फुल फिर अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ, फिर इसका जो है ना फुल टूर दूँगा। तो इंशाल्लाह एक दो दिन तक इसका पूरा मैं आपको टूर दूँगा। वैसे तो ओवरऑल आपने सारी देखी ली होगी, लेकिन फिर अच्छे तरीके से दोबारा दूँगा सिनेमैटिक रिव्यू के साथ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों बाद आज का व्लॉग आया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रेगुलर व्लॉग करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह like kryptonite.